नाजरीन एच बी एफ न्यूज़ में खुश आमदीद। हैदराबाद लतीफाबाद नंबर 8 में ट्रांसफार्मर फटने वाले अफसोसनाक वाकये के बाद एस्को इंतजामिया हरकत में। चीफ एग्जीक्यूटिव रेहान हमीद ने एसडीओ रिजवी, सब डिवीज़न इरफान अहमद, लाइन सुपरिटेंडेंट सलीम समेत दीगर को मुअत्तल कर दिया और डायरेक्टर सर्वेलेंस को फौरी अहकाम जारी करते हुए कहा 2 दिन में उस हादसे की शफाफ इंक्वायरी की है। जबकि तर्जमान हेस्को का कहना था डिप्टी डायरेक्टर सेफ्टी भी इंक्वायरी मेंबर होंगे। वाकये के मुतालिक तमाम तर रिपोर्ट्स मंदर आम पे लाई जाएंगी। उस हवाले से हैदराबाद में एच पी एस न्यूज़ की नुमाइंदे ज़ीशान अली से राबता किया है। जी ज़ीशान, कुछ घंटे कबल होने वाले वाकये के हवाले से हेस्को इंतजामिया का क्या कहना है, अपडेट कीजिएगा। जी कामरान, हैदराबाद लतीफाबाद में जो वाकया पेश आया ट्रांसफार्मर फटने से, जो काफ़ी जानों को जो नुकसान पहुंचा, जिन्हें फौरी तौर सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद मुंतकिल किया गया। हेस्को चीफ रेहान हमीद ने लतीफाबाद नंबर 8 में ट्रांसफार्मर के बाद फौरन नोटिस लेते हुए एसजीओ रिजवी, सब डिवीज़न इरफान अहमद, लाइन सुपरिटेंडेंट सलीम और दीगर 2 लाइनमैन को मुअत्तल कर दिया और डायरेक्टर सर्वेलेंस को अहकाम जारी करते हुए कहा कि वाकये की मालूमात करें और 2 दिन में रिपोर्ट तलब कर लीजिए। कामरान।